हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं औरोबिंदु फार्मा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 18 मई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑरो फार्मा में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन ऑरो फार्मा में हमें जो है देखने मिला है एक 2.80% का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग, और क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 535.65 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे, और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में यहाँ पे हमें आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे कहूँ तो मीडियम साइज की कैंडल बने, ऊपर के साइड में हमें छोटी सी विक जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई 18-19 के आसपास, मतलब हमारा जो है आरएसआई ओवरसोल्ड एरिया में जो एंट्री ले चुका है, बहुत ही बॉटम में यहाँ पे चल रहा है, जो यहाँ पे हमें एक जरूर पॉजिटिव मोमेंट का जो है इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोर इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है हमें यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव मूवमेंट जो दे सकता है, ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे 579 तक हमें अपसाइड मूवमेंट जरूर जो स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। करंटली पहला सबसे पहले यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट 562 तक आते हुए देखने मिलेगी, फिर यहाँ पे हमें 580 के आसपास जो स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट देखने जरूर मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टॉक में अभी भी ट्रेंड जो है नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हमें स्टॉक में जरूर देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग जो है जरूर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे जो है वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही साथ जो सब्सक्राइब बटन को दबा ले और यहाँ पे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है यहाँ पे क्या बनता है उसको मैं जरूर मार्क करके रख देता हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग जो कर रहा हूँ आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी अपना एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो यहाँ पे मेंटेन करने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपसाइड के लिए फिलहाल जो मार्किंग कर रहा हूँ, लेकिन डाउनसाइड के लिए मतलब सपोर्ट साइड के लिए जो हमें थोड़ा सा जो है थोड़ा नहीं मैं तो कहूँगा हमें ज़्यादा ही पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो हमारा बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक जो है जब इस रेंज में था तभी का हमें जो है डेटा ओपन करना होगा, तो यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा पीछे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन से ईयर में हमें जो है फिलहाल के लिए जो जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर यहाँ पे जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप ज़रूर जो अपने चार्ट पे भी मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारे पास डेटा नीचे का, यहाँ पे अराउंड हम आए हैं 16 अप्रैल 2020 के आसपास, तो मतलब यहाँ पे 2020 के आसपास स्टॉक जो है यहाँ पे चल रहा था, मतलब अपना 52 लो पे जो है यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है वो चल रहा है, ये यहाँ पे हमें पता जो है लग चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप जो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टॉक में ट्रेड करेंगे, स्टॉक अभी थोड़ा सा जो रिस्की हो चुका है क्योंकि अपने 52 एक लो के आसपास जो यहाँ पे आ चुका है, मतलब 52 वीक नया लो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आज के दिन जो है बनाया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आज अच्छा पॉजिटिव मार्केट था तो भी यहाँ पे नीचे आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है बहुत सारा इशू हो सकता है स्टॉक में कि क्यों यहाँ पे नीचे आया है, और यहाँ पे इवन अर्निंग्स भी जो है यहाँ पे थोड़ी सी जो है कंपनी परफॉर्म यहाँ पे अच्छी नहीं कर रही है, इसकी वजह से भी यहाँ पे डाउनसाइड जो हमें देखने मिलता है।
तो यहाँ पे मार्किंग जो अब हो चुकी है, बात यहाँ पे हम करते हैं सीधा इसके क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 535 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 529.85 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है 536.80 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले कल के दिन, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है, तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख लें। वहां पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 526.35 का, उसके बाद का आता है 520.35 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 542.50 का, उसके बाद का आता है 551.70 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना कल के दिन का यहाँ पे ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस यहाँ पे कल के लिए कहूँ, तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में कल के लिए जरूर एक पॉजिटिव साइड का जो बन रहा है, मुझे यहाँ पे लगता है हाई चांस है 536.80 से लेके 542.50 के बीच में क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग हुआ और डायरेक्ट हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए, तो इवन 542 से लेके 551 के बीच में भी हमें देखने मिल सकता है। तो इस चीज को आप जरूर जो यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ही चले, और यहाँ पे थोड़ा सा जो आप प्री ओपन मार्केट में किस तरह से परफॉर्म करता है स्टॉक, उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चले। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।